brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो विषय बीच बीच में इतना दूंदा गाँव के अंदर जो विरोध की बात आती है, आखिर जब भी किसी के मस्तिष्क में कोई बात होती है तो वो विरोध का स्वर उठाता है। उठाने की मर्यादा है, सीमा है, लेकिन जिस प्रकार से करते हैं जिन लोगों ने की 10-20-25-50 लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो 25-50 लोग किसान का लबादा उड़ते हैं, सिख का लबादा उड़ते हैं, न वो सच्चे सिख हैं, न वो शुद्ध रूप से किसान हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ और सवाल ये किया जाता है जो पूछते हैं कि आखिर हमको दिल्ली जाने से क्यों रोका है, उनका प्रश्न होता है। हम कहते हैं पिछली बार तो हमने नहीं रोका था, हमने दिल्ली बॉर्डर तक जाने दिया था, इन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करके क्या कुछ किया ये आपको पता, हमको पता। लाल किला के ऊपर एक प्रकार से जैसे दुश्मन की चढ़ाई होती है, इस प्रकार की चढ़ाई थी, लोकतंत्र का अपमान है। हमारे लिए लाल किला भी, यानी प्रधानमंत्री जहाँ से 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी के और के लिए आस्था का एक स्थान होता है। अगर हमारे लिए मंदिर गुरुद्वारे ये पवित्र हैं, इनके प्रति सम्मान का भाव है, चाहे वो चर्च हो चाहे वो मस्जिद हो, हर किसी के लिए अपना अपना एक आराध्य देवता का स्थान होता है, उसके लिए पवित्र होता है। देश की जनता के लिए ऐसा ही हमारा लाल किला है, ऐसा ही हमारा इंडिया गेट है, ऐसा ही हमारा अन्य जो इस श्रद्धा के स्थान पर जिनका स्थान है वो सारे स्थान ऐसे हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी की, मैं समझता हूँ, सूझबूझ और उनकी सहनशीलता कि उस दिन बड़े प्रेम से प्यार से जो लोग ऊपर चढ़ गए थे ये मानकर कि अपने समाज के लोग हैं, माथा बिगड़ा है, थोड़ा ठीक हो सकते हैं, समझाएंगे बुझाएंगे, उनको वापस उतार दें, वरना कोई भी दुर्घटना अगर होती तो ये बदनामी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर पर रहती। जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन आज भी कांग्रेस के सिर के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है, जैसे 1984 के दंगे कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है, तो इस प्रकार की घटनाएं देश में ना हो हमें भी कदम रहता है। अगर इस प्रकार की घटना करने वाले दिल्ली वहाँ जाके कर सकते हैं तो आखिर हमें भी एडमिशन चलाना आता है। हम पंजाब के ऐसे किसान जो लबादा उड़े हुए हैं, कोई किसान नहीं है, किसानों को तो प्रधानमंत्री जी ने भी और हमने भी हरियाणा सरकार से इतनी सुविधाएं दी हैं, आज हरियाणा का किसान हमारे साथ है। अगर उनको हमने रोका तो इसलिए कई इस प्रकार की घटना फिर से दिल्ली जाके करते हैं उचित नहीं है। आने जाने के यातायात के साधन खुले हैं, बसों में जाओ, अपनी कारें लेके जाओ, रेलगाड़ी में जाओ, प्लेन में जाओ, लेकिन आप ट्रैक्टर के आगे हथियार बांध करके और एक हमला करने की जैसे मुद्रा होती है इस प्रकार का एक प्रश्न करके जाएंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र का एक विरोधी स्टेप लेने वाले ही लोग हैं, ये ना किसान हैं न ही सिख हैं। कुछ सिख बंधु भी हमारे ये कहते हैं नहीं सिखों को माने जाने दिया, कुछ किसान कहते हैं हम किसानों को माने जाने दिया। मेरा कहना है किसान के नाम से हमारे आदरणीय अन्नदाता है, सिख हमारी कौम का एक शिरमौर कौम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। हमने सिखों के कार्यक्रम पहले भी किए हैं और अभी भी आधे घंटे बाद एक बड़ा सिखों का कार्यक्रम मेरा है। और आपकी जानकारी के लिए सिख भी दो तरह के होते हैं, केशधारी सिख एक सहजधारी सिख, आपकी जानकारी है कि नहीं है। मैं केशधारी सिख तो नहीं हूँ लेकिन सहजधारी सिख हूँ, मैं सिख परंपरा को मानता हूँ। सिख परंपरा को मानने वाले को पता है कि सिख क्या होता है, खालसा पंथ की नींव गुरु गोबिंद सिंह जी सजाई तो उसका हेतु क्या है। इस प्रकार की शरारतें करने के लिए सिख कौम भी अलाउ नहीं करती है, तो शरारती तत्वों को हमेशा रोक के रखा जाएगा, कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। ये चुनाव में अगर आकर के जनमत को अपने साथ लेकर के चुनाव लड़ें तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं आना ही चाहिए, बल्कि आपको ध्यान में होगा भले हमारे विरोध में काम कर रहे हैं आज चढ़ोणी जी कैनपुरा सिंह चढ़ोणी, लेकिन मैंने एक बात की परीक्षा की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ किसानों को पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव में पार्लियामेंट में विधानसभा में जाकर के अपनी बात उठानी चाहिए, ये लोकतांत्रिक तरीका है, करना चाहिए। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीकों का निषेध ये देश में कोई भी सरकार कोई भी सिस्टम वो करेगा उसको रोकेगा, इसमें किसी को गलत नहीं रहनी चाहिए। आपने राजेंद्र सिंह जी से बात पूछी, ठीक है राजेंद्र सिंह जी का मन कहीं और था, लेकिन जब मन बदल जाए तो पिछले मन की बातों पर रोक लग जाती है, नहीं बोलती।